लॉकडाउन के चलते इस बार ईसाई बंधुओं ने घरों की दहलीज के भीतर ही रहकर ईस्टर की खुशियां मनाई। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जहां लोग आराधना में शामिल हुए, वहीं प्रभु यीशु के दोबारा जी उठने की खुशी में अल सुबह निकलने वाला कैंडल जुलूस स्थगित रहा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान दिवस पर मसीही लोगों ने सुबह प्रभु को जिंदा उठने के समय निकलने वाले जुलूस के बजाय लोगों ने घर की छत, छज्जों और बरामदों में कैंडल जलाई। इसके बाद घर में बने ईस्टर बन और ईस्टर एक को खाकर परिवारजनों संग पर्व की खुशियां साझा की। फोन पर एक दूसरे को ईस्टर की मुबारकबाद देने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन के आदेश के साथ ही धर्म गुरुओं ने भी त्योहारों को घरों में ही मनाने की अपील की थी। इसके मद्देनजर गुड फ्राइडे की ही तरह ईस्टर भी लोगों ने अपने घरों में रहकर मनाया। सभी चर्चों के पादरी और भी उनसे जुड़े कलीसियां ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। बाइबल पाठ सहित प्रभु यीशु के दोबारा जी उठने की गाथा को फादर और पादरियों ने यूट्यूब और फेसबुक के जरिए ही मसीही लोगों को सुनाया। इस संबंध में सेंट जोसेफ महागिरजाघर के फादर सुरेश ग्रेगरी ने बताया कि इस समय इंसानियत पर बड़ा खतरा है। घरों में रहते हुए प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए महामारी से निजात के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट जोसेफ महागिरजाघर के फादर सुरेश ग्रेगरी ने कहा, मेरा नाम फादर ग्रेगरी संत जोसेफ महागिरजाघर का पल्ली पुरोहित हूँ। आज पूरी दुनिया में ईसाई लोग ईस्टर पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का पर्व पूरी मानव जाति के लिए मुक्ति का पर्व है। लेकिन हम जानते हैं हमारे पूरी दुनिया बहुत बड़ी परेशानी में है और विशेषकर हमारे देश में अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है और इसी की वजह से प्रार्थना सभा अकेले में हम इधर किए हैं और ऑनलाइन में सभी लोगों को, हमारे सभी ईसाइयों को, विश्वासियों को पहुंचाया है और सब लोग अपने घरों में रह करके इस पूजन विधि में भाग लिए हैं। और हम विशेषकर पुनरुत्थित प्रभु यीशु से ये निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में शांति कायम रहे और जल्दी ही इस रोग पीड़ा से हम लोग निजात पा सकें। और सबों से अनुरोध है कि सब लोग अपने घरों में रहें, साफ़ सुथरा रहें, एक दूसरे को प्यार करते रहें, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। प्रभु हम सबों को आशीष जरूर देंगे।